फिल्म डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी, हिंदी फिल्म नील बट्टे सन्नाटा और तमिल फिल्म अम्मा कनक्कु डायरेक्ट करने के बाद 2017 में अश्विनी अय्यर तिवारी लेकर आ रही है एक नया हिंदी फिल्म। इस नया हिंदी फिल्म का नाम है बरेली की बर्फी। बरेली की बर्फी 2017 में एक अपकमिंग बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और बरेली की बर्फी फिल्म में लीड रोल कर रहा है आयुष्मान खुराना और बरेली की बर्फी फिल्म में कृति सनोन भी लीड रोल कर रही है और राजकुमार राव भी इस फिल्म में एक खास रोल कर रहा है। बरेली की बर्फी फिल्म में स्टोरी कुछ ऐसा है कि बरेली की बर्फी फिल्म में आयुष्मान खुराना एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है और राजकुमार राव आयुष्मान खुराना की प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है और कृति सनोन इस फिल्म में एक मॉडर्न लड़की की रोल कर रही है। बरेली की बर्फी फिल्म का स्टोरी लिखा है नितेश तिवारी ने। ये वही नितेश तिवारी है जिन्होंने दंगल फिल्म को डायरेक्ट किया था, इसीलिए नितेश तिवारी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट डायरेक्टर का। बरेली की बर्फी फिल्म का ज्यादातर शूटिंग हुआ है लखनऊ और बरेली में और बरेली की बर्फी फिल्म में म्यूजिक दे रहा है रोचक कोहली। बरेली की बर्फी फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी का नाम है बीआर स्टूडियोज और जंगली पिक्चर्स और बरेली की बर्फी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होगा रिलायंस एंटरटेनमेंट के माध्यम से। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बरेली की बर्फी फिल्म रिलीज होगा 21 जुलाई 2017 में। और हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड फिल्म का लेटेस्ट न्यूज इंफॉर्मेशन अपडेट जानने के लिए आप टेक हेल्थ एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।